हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं नर्सरी के बच्चों के लिए मैथ्स का वर्कशीट लेके आई हूँ। नर्सरी में बच्चों को बेसिकली ए टू जेड कैपिटल लेटर्स, अ से अह तक और 1 से 10 या 1 से 20 पढ़ाया जाता है। तो ये मैं मैथ्स का वर्कशीट लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। छोटे बच्चों को 1 से 10 तक या 1 से 20 तक लिखना पढ़ना तो सिखा देते हैं, लेकिन उसे अप्लाई कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या वर्कशीट होती है, ये मैं आज बताने जा रही हूँ। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट, 0 to 10। तो इसमें तो सिंपल हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये लिखना होता है। बच्चों में यूनिट और वंस और टेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराने के लिए कुछ स्कूल्स में, कुछ वर्कशीट्स में टेंस और वंस ऐसे करके टेबल लिखा होता है। तो 10 हमें यहाँ वंस के कॉलम में नहीं, नेक्स्ट लाइन में टेंस और वंस के नीचे 10 लिखना होता है। काउंटिंग के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर। यहाँ पे पिक्चर दी हुई है रैबिट की, इसे हमें काउंट करना है। बच्चों को सिखाना है कि इसे काउंट करो और इसे जो सही नंबर है उस पर, करेक्ट नंबर पे सर्कल करना है। तो बच्चों को काउंट करवाना है 1, 2, 3, 4। नाउ वेयर इज 4, देन सर्कल इट। बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए इसे कलर भी करवा सकते हैं कि सारे रैबिट को पहले कलर कर लो फिर देन काउंट इट। नेक्स्ट पिक्चर हमारा फ्लावर का दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन इन द सेम वे, काउंट द फ्लावर एंड सर्कल द करेक्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ बच्चा 6 को सर्कल करेगा। ये हमारी दूसरा क्वेश्चन हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड कैसे हम कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे कराया जाता है रिगार्डिंग टू शेप्स। जैसे कि ये क्रिसेंट शेप है, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड स्टार, इससे रिलेटेड, नॉट एग्जैक्ट लाइक दिस, इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे और फिर बच्चे को बोलेंगे कि करेक्ट शेप से करेक्ट ऑब्जेक्ट को मैच करें। तो जैसे कि स्टार से रिलेटेड हमने फ्लावर बना दिया, स्क्वायर से रिलेटेड एक जोकर का फेस या फिर कोई भी ड्रॉ कर दो, ट्रायंगल से रिलेटेड ये डॉल ड्रॉ कर दिया, क्रेसेंट तो मून का शेप होता ही है, मून का इसमें शेप कर दिया, मून को ड्रॉ कर दिया। नाउ बच्चे को बोलेंगे कि कौन सा शेप कौन से ऑब्जेक्ट से मिलता है, तो फिर वो मून से क्रेसेंट शेप को मैच करेगा, ट्रायंगल से इस डॉल को मैच करेगा, स्क्वायर से इस फेस को एंड देन फ्लावर को स्टार से। बहुत ही इजी वे में शेप का कॉन्सेप्ट बच्चा आसानी से सीख जाता है। नेक्स्ट है बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए ड्रॉ अ बॉल एंड कलर इट। जब बच्चा LKG में होता है तो बेसिक थिंग्स उसे ड्रॉ करना आना चाहिए, जैसे एप्पल, बॉल, जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसका एक एक पिक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। तो ड्रॉ अ बॉल एंड कलर इट, बच्चे को बोलेंगे पहले सर्कल कर दो एंड देन लाइक दिस, सबसे सिंपल यही होता है, एस शेप का ये कर दो और फिर इसको कलर करवा दीजिए। नाउ बच्चों में ये कौन सा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कौन सा कलर का होता है, कलर कॉन्सेप्ट ये बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर बच्चों को 2-4 फ्रूट्स का पिक्चर ड्रॉ कर दीजिए और अप्रोप्रिएट कलर से उसे कलर करने के लिए बोलिए, मस्क मेलन, वाटर मेलन, वो डैपल, दैट इज़ बेयर। नाउ सम इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि इस एक्टिविटी में क्या करना है ये देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन टू मैच द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द सेम नंबर ऑफ सर्कल।
वन हैज़ बिन डन फॉर यू. एग्जाम्पल नोज़ वन आइज क्वेश्चन मार्क. जैसे कि ये नोज़ है, आइज़ है, ईयर्स है, टंग है, इधर फीट, फेस, लेग्स, लिप्स हमारे और हैंड्स. हमारे बॉडी पार्ट्स की कितने का कितना नंबर है. जैसे कि नोज़, आई हैव वन नोज़, देन द चाइल्ड विल जॉइन वन डॉट विद द नोज़. इस वाले डॉट को नोज से पॉइंट जॉइन करेगा क्योंकि हमारे पास एक नाक है. नाउ आइज, वी हैव टू आइज, देन ही विल जॉइन विद दिस. टू ईयर्स, देन इट विल गो विद टू डॉट्स. वन टंग, इट विल गो विद वन डॉट. टू फीट लाइक दिस. वन फेस, इट विल गो विद वन डॉट. टू लेग्स, इट विल गो विद टू डॉट्स. टू लिप्स, it will go with two dot. Two hands, it will go with two dot. Like this. ये concept clear करेगा कि हमारे body parts कितने होते हैं. जैसे बच्चा अक्सर ही confuse करता है कि lips हमारे एक हैं या दो हैं. बच्चे mouth consider करते हैं इसे. Mouth तो एक ही होगा लेकिन जब lips बोलते हैं तो ये दो होता है. Legs, face, feet, tongue, eyes, ears, nose, hands. इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें. थैंक यू.